दोस्तों इस दौर में भले ही दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में इलोन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी और बिल गेट्स की गिनती होती है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके सामने इन सभी की दौलत इकट्ठा करके भी मुकाबला किया जाए तो भी कम पड़ जाएगी। उस शख्स का नाम मंसा मूसा था। दोस्तों आज के समय में टिम्बकटू अफ्रीका देश माली का हिस्सा है, लेकिन एक वक्त था कि जब यह टिम्बकटू सल्तनत हुआ करता था और वहां का बादशाह इतिहासकारों के मुताबिक मंसा मूसा था। इनके पास इतनी दौलत थी कि आज तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका। इतिहासकारों के मुताबिक मंसा मूसा के दौरे हुकूमत में सोने की मांग ज्यादा थी और दुनिया का आधा सोना मंसा मूसा के पास था। मंसा मूसा ने 1312 से 1337 तक हुकूमत की, यानी तकरीबन 25 सालों तक। मंसा मूसा ने अपने दौरे हुकूमत में कई मस्जिदों की तामीर की, जिनमें आज भी कई मौजूद हैं। मंसा मूसा की रईसी का ये आलम था कि वे अपने काफिले के साथ भारी तादाद में सोना लेकर चलते थे और इसे गरीबों में लुटाते थे।